बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकम। यौमुल वतनी सऊदी अरबिया में गुज़र चुकी है, लेकिन इसके मतलब जो क्लिप्स हैं, जो नताइज हम बोल रहे हैं, वो सामने आ रहे हैं। मैं बहुत सी वीडियो देख रहा था, एक मैंने देखा है कुछ बंदों की गिरफ्तारियाँ भी की गई, जिनके मतलब मैंने आपको पहले ही यानी कि कुछ जो न्यूज़ आ रही थी कि आपने इस टाइप का कोई भी काम नहीं करना वरना आपको इसके ऊपर फ़ाइन और जेल वगैरह होगी, तो उस टाइप की कुछ हरकतें की गई, तो उनके ऊपर कुछ अफराद को गिरफ़्तार भी किया गया। और बहरहाल जी, कुछ बंदों की तरफ से शुगल मेला अच्छा किया गया। और मैं पाकिस्तानियों के मतलब ही बात करूँगा। रात मैंने एक आपके साथ वीडियो शेयर की जो कि पंजाबी भाइयों की थी, अभी मैं देख रहा था, पंजाबी एंड पठान मिक्स हैं जी। यहाँ पर आपको पिक्चर मैं इनकी दिखा रहा हूँ, अभी वीडियो क्लिप भी साथ में चला कर दिखा देता हूँ मैं। सऊदन ख़वातीन के मतलब भी मैंने अपने एक दूसरे चैनल के ऊपर कल एक वीडियो शेयर की कि वो कैसे माशाल्लाह यौमुल वतनी इंजॉय कर रही हैं। लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर अभी दिख रहा था कि इस दफ़ा, ये पिछली बार तो काफ़ी कुछ सामने आया ख़वातीन के मतलब, छेड़छाड़ के मतलब और हरासा करने के मतलब, लेकिन इस बार ऐसे कुछ सीन सामने नहीं आए हैं। एक आध होगा कोई, लेकिन ज़्यादा ऐसी कोई भी किसी किस्म की बदतमीज़ी नहीं की गई है। तो साथ में मैं अभी आपको वीडियो क्लिप ये दिखा रखा हूँ, ये पठान एंड पंजाबी मिक्स है जी अफराद, और यौमुल वतनी के ऊपर माशाल्लाह जश्न मनाया जा रहा है। आप रोड के ऊपर खड़े होकर जैसे कि देख लें, डांस वगैरह किया जा रहा है, आप झंडे लहरा सकते हैं, डांस वगैरह या अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं। लेकिन आपकी वजह से अगर ट्रैफिक में कोई खलल पैदा हो रखा है, या किसी को परेशानी आ रही है, या आप किसी को तंग कर रहे हैं, या आप सऊदी पश्चिम की बेहरमती कर रहे हैं, या जानबूझ कर नीचे गिरा रहे हैं, तो इस चीज़ के ऊपर आपको फिर गिरफ्तार किया जाएगा, यानी कि फ़ाइन वगैरह और जेल वगैरह कन्फर्म है। तो बहरहाल जी, एक अच्छा मेरे हिसाब से अच्छी यौमुल वतनी गुजरी है। और ख़ासकर मैंने देखा है जी कि कोई भी किसी किस्म का गैर मुल्की हो जिसको गिरफ्तार किया गया हो, ऐसी मैंने कोई भी अभी तक वीडियो या क्लिप नहीं देखा है। तो बहरहाल जी, अपना ख्याल रखिए और कोई भी ऐसी हरकत करने से बाज रखिए।